न्यूज 18 पर सांसों के सौदागर बेनकाब। देश का दम घोटने वाले गुनहगार। ब्लेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? ब्लेंडर का कोई मोल नहीं है, लिफ्टिंग 7-7 हजार रुपए में दे रहे हैं। टीवी पर पहली बार ब्लैक ऑक्सीजन। 15-20 मिनट ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से हो पाएगा ना काम। न्यूज 18 पर ऑक्सीजन का काला बाजार। देखो हमारी ये गाड़ी हम बन गई, अभी हम सप्लाई करके दोपहर बाद आते, सप्लाई होती इतनी, अब यहाँ पर जैसे खाली हो गई, हमने लोड से फिर लगा दी। ऑक्सीजन सिलेंडर की लेडी सौदागर। 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ, राइट? मतलब हमें एमटी देना पड़ेगा या सर कुछ नहीं? ये भी सिलेंडर, अगर सिलेंडर हम ले आए तो सर मैं रिफिल कर दूंगी, लेकिन छोटा, इससे ऊपर का साइज रिफिल नहीं करूंगी। पड़ेगा सर रिफिल कॉस्ट 15। ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन 10 गुना महंगी। 500 का सिलेंडर 4500 रुपए में। आठ सौ का सिलेंडर 8000 रुपए में। जिंदगी बेचकर जेब भरने वालों का स्टिंग। आपकी ऑक्सीजन बेचने वाले यहाँ हैं। न्यूज 18 पर प्राण वायु के प्राण घातक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए क्या करना है आपको? ये जीवन रक्षक मास्क पहनना है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, #maskpehnoindia। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहनिए। लेकिन आज हम उन लोगों के चेहरे से मास्क हटाएंगे जो आपके हिस्से के ऑक्सीजन पर कब्जा करके बैठे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कोरोना पर हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो सरकार, प्रशासन और जनता सबकी आंखें खोल देगी। आज आपको ये एहसास होगा कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। आज आपको ये सच भी पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे अपनों की मौत के पीछे कौन लोग हैं। आज न्यूज 18 की अंडरकवर टीम आपको अपने खुफिया कैमरे के जरिए उन लोगों के चेहरे दिखाएगी जो अस्पतालों या जरूरतमंद मरीजों के हिस्से की ऑक्सीजन पर कब्जा करके बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों की सांसों पर संकट है। न्यूज 18 की खुफिया टीम ने ऐसे लोगों को बेनकाब किया है जो दिल्ली NCR के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंदों के हिस्से का ऑक्सीजन 10 गुना दाम पर बेचकर हर रोज काला बाजारी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक एक सांस के लिए तरस रहे लोगों की प्राणवायु के लिए प्राण घातक साबित हो रहे हैं। देखिए न्यूज 18 की अंडरकवर टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की सांसें उखड़ रही हैं। उसके लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप मेरे नंबर दे दो, आराम से बात करो। लेकिन क्या आप इस सच से वाकिफ हैं कि सांसों की डोर को संभालने से पहले ही
तोड़ने वाले लोग कौन हैं? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ, सिलेंडर तो हम दे देंगे। कोरोना के जो मरीज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों में तब्दील होते जा रहे हैं, उनका गुनहगार कौन है? हमारे आपके और देश के हजारों कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन कहां जा रहा है? कोरोना मरीजों तक पहुंचने से पहले ही प्राणवायु का रुख कौन मोड़ देता है? कौन है जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में भी ऑक्सीजन लूटकर जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहा है? न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में कोरोना काल का वो सच कैद हुआ है जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। जिस वक्त पूरे देश में लोग अपनों की सांसें बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, उस वक्त ही देश के कई शहरों में काले ऑक्सीजन का बाजार सजा हुआ है। लेकिन हम आपको देश की राजधानी और दिल्ली NCR में काले ऑक्सीजन का प्राण घातक सच दिखाएंगे। ऑक्सीजन पर खुफिया खबर मिली। अस्पताल से लेकर घरों तक ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की खबरों के बीच न्यूज 18 की टीम को बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। खबर देने वाले ने बताया कि दिल्ली NCR में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन इमरजेंसी से जूझ रहे अस्पतालों में जो सिलेंडर पहुंचने चाहिए उनका सड़कों पर ही सौदा हो रहा है, यानी सड़क पर ही ऑक्सीजन का काला बाजार लगा हुआ है। न्यूज 18 की खुफिया टीम खबर की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। गाजियाबाद, एक ऑक्सीजन प्लांट, सड़क पर ऑक्सीजन की काला बाजारी। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंच गई। प्लांट के बाहर का मंजर देखते ही टीम को एहसास हो गया कि यहां ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि न्यूज 18 के खुफिया कैमरे ने प्लांट के बाहर सिलेंडर से भरा ट्रक देखा। ट्रक के आसपास कई लोग मौजूद थे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जुड़े सच का पता लगाने के लिए सप्लायर से बात करना जरूरी था। हालांकि ऑक्सीजन के सौदागर शक होने पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की सांसों से जुड़े इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो ट्रक खड़ा था वो एक सप्लायर का था। मुंह पर काला मास्क पहने ये शख्स वही सप्लायर है जो अपने मिनी ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के बाद प्लांट के बाहर ही खड़ा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ट्रक में लदे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं और इन्हें फौरन अस्पताल में ले जाना है। हमारे सिलेंडर नहीं है, ये हॉस्पिटल का माल है पूरा, अगर कुछ होगा तो मेरे मैनेजर नहीं हो जाएगी समझो आप। सप्लायर ने हमारी खुफिया टीम को खुद बताया कि ट्रक में रखे सिलेंडर दिल्ली NCR के अस्पतालों में भेजने हैं, लेकिन हमारी टीम के मन में ये सवाल उठता रहा कि प्लांट से एक ट्रक सिलेंडर भरवा कर निकला सप्लायर आखिर उन्हें अस्पतालों में क्यों नहीं भेज रहा। एक बार फिर न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने पूछा कि क्या हमें कुछ भरे हुए सिलेंडर मिल सकते हैं। इस बार भी सप्लायर पहले तो इनकार करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में हैरान करने वाला जवाब दिया। हमारे पास एक सिलेंडर है, एक करवा दो यार, कितने का देगा? पैसे की बात नहीं है, ये हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। हमारा भी ये तो मैं कैसे कह रहा हूँ, करवा नहीं रही, ये वक्त रहेंगे क्या फायदा? करवा दो यार, वो पाता तो मैं दे देता। करवा दो देखा आपने, सप्लायर ने दावा किया कि वो एक भी सिलेंडर नहीं दे सकता क्योंकि ट्रक में लगे सभी सिलेंडर अस्पतालों में भेजने हैं, लेकिन बाद में बहुत आसानी से अपना नंबर भी दे दिया। ये भी कहा
की आराम से बात करते हैं। यहाँ बात करने का सीधा सा मतलब है सौदा, मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। कुछ ही देर में न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में वो सच कैद हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीज और अस्पताल जिस ऑक्सीजन गैस का इंतजार कर रहे थे वो सड़क पर उतारे जाने लगे। गाजियाबाद के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही मिनी ट्रक में भरे हुए ऑक्सीजन खुलेआम बेचे जाने लगे। इस कालाबाजारी का सच सामने लाने के लिए एक बार फिर न्यूज 18 की खुफिया टीम ने सप्लायर से कहा, हमें भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर की फौरन जरूरत है। इस पर सप्लायर का जवाब पहले से बिल्कुल अलग था। कब तक बता दोगे आप? 15-20 मिनट हो गए, ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से हो पाएगा ना काम? कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मिनी ट्रक को कुछ देर पहले अस्पताल भेजने का दावा करने वाले सप्लायर का सच सामने आ गया। अब वो ऑक्सीजन सप्लाई चेन का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। उसने हमें कुछ देर रुकने के लिए कहा और एक एक करके कई सिलेंडर गाड़ी से उतारे गए। सबका सौदा हो चुका था। करीब आधे घंटे में सप्लायर ने 10 सिलेंडर करीब 10 गुना दाम पर बेच दिए। यानी ऑक्सीजन के काला बाजार में कम से कम 10 मरीजों की जिंदगी नीलाम हो चुकी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले सप्लायर से हमारी टीम ने एक बार फिर पूछा कि क्या सच में जिन सिलेंडर की सड़क पर कालाबाजारी हो रही है वो अस्पतालों में तड़प रहे मरीजों के लिए ही हैं। इस सवाल पर ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर ने क्या जवाब दिया, जरा गौर कीजिए। हॉस्पिटल के लिए जा रही है? सब हॉस्पिटल के लिए है ना। अब क्या हो रहा है ना, सप्लाई है ज़्यादा, हम भरवाने में और देने में ले जाएंगे तो फिर काम होगा नहीं, वहाँ मरीज मर जा रहा है। सही बात। अब बात आ रही है हॉस्पिटल और हमारे ऊपर, और जब ये भर के देगा हम जब भी तो हम दे पाएंगे, ये साहब भी मना करते हैं ना भर के, पूछो करते हैं आप तो देखो कितनी मुश्किल से कितना टाइम ले रहा हूँ भरने, 2-2.5 घंटा लेते हैं। न्यूज 18 की खुफिया टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर का जवाब सुनकर सन्न रह गई। ये आदमी न केवल जानता है बल्कि मानता भी है कि अगर उसके ट्रक में लदे सिलेंडर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो कई मरीजों की मौत हो सकती है। लेकिन वो मौत का सौदागर बनकर ये भी कबूल करता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। अंडरकवर टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर ने खुद बताया कि अगर वो अस्पतालों में सप्लाई होने वाले सिलेंडर फैक्ट्री के बाहर ही बेच देगा तो सप्लाई में लगने वाला समय बचेगा। ऐसा करने से ज्यादा सिलेंडर रिफिल करवाकर मनमानी कीमत पर ऑक्सीजन का सौदा कर सकेगा। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे पर अस्पतालों का ऑक्सीजन सड़क पर नीलाम करने वाले सौदागर का ये हैरान करने वाला कबूलनामा देखिए। हमारी ये गाड़ी हम बन गई, अभी हम सप्लाई करके दोपहर बाद आते, सप्लाई होती इतनी, अब यहाँ पर जैसे खाली हो गई, हमने लोड से फिर लगा दी, यहाँ 2 घंटे में भरेगी, हमारे पास 4 घंटे तो बचेंगे, हम ज़्यादा सप्लाई दे पाएंगे ना लोगों को, ऐसे सबको सिलेंडर मिल जाएंगे। हम दे सकते हैं 1000 सिलेंडर, हम दे पा रहे हैं 5 सिलेंडर, क्योंकि जगह जगह पहुँचाना है। मरीजों की सांसें बचाने वाले ऑक्सीजन को सड़क पर ही बेचने वाला खुद बता रहा है कि अस्पताल जाने में उसका अपना नुकसान है, क्योंकि अस्पतालों तक सिलेंडर पहुंचाना, वहां अनलोड करना और खाली सिलेंडर लेकर दोबारा ऑक्सीजन प्लांट तक आने में आधा दिन निकल जाता है। इसलिए अस्पतालों के नाम पर सैकड़ों सिलेंडर भरवाने के बाद उन्हें प्लांट के बाहर ही 2-3 घंटे में बेचने के बाद ट्रक एक बार फिर कालाबाजारी के लिए सिलेंडर भरवाने में लगा दिया जाता है। अस्पतालों में सिलेंडर देरी से पहुंचेगा या नहीं भी पहुंचेगा तो इसमें सप्लायर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो तो मरीजों का ऑक्सीजन सड़क पर भेजकर रोज लाखों रुपए कमा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले से बातचीत करते हुए करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन सिलेंडर से लदा ट्रक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त लोग ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर लगा रहे हैं, वहां दिन रात लाइनों में खड़े हैं। इसलिए यहीं पर मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का काला कारोबार करता है। न्यूज 18 की खुफिया टीम ने
ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों से ये भी पूछा कि क्या वो सिलेंडर बेचने के अलावा रिफिल भी करवाता है। इसमें भी वो माहिर है। सप्लायर ने बताया कि 3 गुना दाम लेकर वो सिलेंडर रिफिल करवा देगा। एक ही सिलेंडर दो देते हैं, कितने का पड़ जाएगा? खाली भरे समय देखा था, भरे समय खाली में खाली सिलेंडर की तो चाहिए। दे देंगे, हम अरेंज कर लेंगे यहाँ से। अब खाली के दिखाओ, कैसा सिलेंडर? ऐसे ही सिलेंडर सेम ऐसा वाला कर दूंगा। कितने का पड़ जाएगा? पहले ला दो सर, बता दो ना, मैं उठा लाऊँ भाई साहब। सिलेंडर कह रहे हो गैस गैस कह रहे हो? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ, सिलेंडर तो हम दे देंगे 400 रुपये। जिन खाली सिलेंडरों में 200 रुपए में ऑक्सीजन भरी जाती है, उन्हें भी धंधेबाज 2-3 गुने दाम वसूल कर रिफिल करवा रहे हैं। कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन सिलेंडर हो या सिर्फ ऑक्सीजन गैस, सौदागरों ने प्राण वायु के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की खुफिया टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर से लगातार कई लोग बात करते रहे। उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित कई फोन आते रहे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला शख्स अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। सिलेंडर से भरा उसका मिनी ट्रक घंटों वहीं खड़ा रहा। आपकी आंखों के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर से लदा वो ट्रक है जिसे दिल्ली NCR के कई अस्पतालों में वक्त पर पहुंचना था, लेकिन मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले सप्लायर ने देर नहीं बल्कि बहुत देर कर दी। जब से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत वाले हालात शुरू हुए, शायद तभी से ऐसे सौदागर सक्रिय हो गए हैं। सरकारी सिस्टम ये देख ले कि अगर खुलेआम इस तरह ऑक्सीजन का सौदा होगा तो मरीजों की सांसों की डोर टूटना तय है। अगर अस्पतालों के हिस्से का ऑक्सीजन सड़क पर यूं ही काला बाजार लगाकर बेचा जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के आंकड़े कैसे रुकेंगे? फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली के पास कैसे एक महिला सरेआम सड़क किनारे 10 गुना कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रही है, अस्पतालों का नाम और कालाबाजारी का काम। साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली NCR में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के अड्डे कहां कहां हैं। दिल्ली NCR में ऑक्सीजन सप्लाई की चेन को बरकरार रखने के इस मिशन में आगे देखिए सरकार, प्रशासन और जनता को हैरान करने वाली कुछ और खुफिया ग्राउंड रिपोर्ट। देखते रहिए ऑपरेशन प्राणघातक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दिल्ली NCR में कोरोना मरीजों के हिस्से की ऑक्सीजन पर कब्जा करके बैठे काला बाजार पर न्यूज 18 की खुफिया खबर ऑपरेशन प्राणघातक। हम दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम ने काला बाजारी करने वालों का सच जानने के लिए खुद को ग्राहक बताया। काला बाजारी करने वालों से सिलेंडर नहीं खरीदा गया। जरा सोचिए, किसी के घर में कोरोना से पीड़ित मरीज की सांसें उखड़ रही हैं, दिन रात कोशिश करने के बाद किसी हॉस्पिटल में बेड मिल गया तो ऑक्सीजन की कमी से जान जाने का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। अगर बेड नहीं मिला तो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सांसों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की गई, लेकिन सांसें तो तब सलामत रहेंगी जब ऑक्सीजन सिलेंडर वक्त पर मिलेगा, क्योंकि मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए वो काला बाजार में मुंह मांगे दाम पर नीलाम हो रहे हैं। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने ग्राहक बनकर ग्रेटर नोएडा में एक महिला दुकानदार से मुलाकात की। वो महिला पहले तो मना करती रही, लेकिन कुछ ही देर में 800 रुपए के सिलेंडर को 7-8 हजार रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गई। प्राण वायु कहलाने वाली ऑक्सीजन गैस की सरेआम कालाबाजारी, और वो भी पूरे देश में मौत बांटती महामारी के इस दौर में। ये खबर दिल दहला देने वाली है, क्योंकि अपनों की जान बचाने के लिए लोग ऑक्सीजन के खातिर आंखों में आंसू और दिल में उम्मीदें लेकर दिन रात भटक रहे हैं, लेकिन मरीजों और जरूरतमंदों की ऑक्सीजन तो
काले सिलेंडरों में बंद हैं और काला बाजारी करने वालों की कैद में है। न्यूज 18 की खुफिया टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को बेनकाब करने के मिशन में जुटे थे। इसी दौरान एक और हैरान कर देने वाली खबर मिली। कॉल करने वाले ने ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास एक दुकान का पता बताया। अंडर कवर टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा शेखर रेफ्रिजरेटर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। ग्रेटर नोएडा में शेखर रेफ्रिजरेटर नाम से दुकान नजर आई। पता सही था, अब चुनौती थी कि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का सच कैसे पता लगाया जाए। इतने में न्यूज 18 की टीम ने खुफिया कैमरे में कुछ सिलेंडर रिकॉर्ड किए। ये काले रंग से पेंट किए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर थे। इन्हें देखते ही टीम का शक बढ़ गया कि जिस तरह खुले में इतने सारे सिलेंडर रखे हैं, वो जरूर काला बाजारी का इशारा कर रहे हैं। यहाँ दुकान के बाहर सिलेंडर के पास एक महिला नजर आई। बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा सारा काम वही देखती है। हमारी अंडरकवर टीम ने सच का पता लगाने के लिए ग्राहक बनकर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड की। मैंने ये सबको बोला, मैं लोकेशन दे रही हूँ, 1:30 बजे से पहले मेरे पास कोई सर समझो, सर ऐसे भी आएंगे, कैसे भी आएंगे, मैं क्या करूँ, मेरे लिए सिचुएशन बताओ क्या। ये सर पेंट है, अभी रिफिल नहीं है, ये हॉस्पिटल जा रहा है, इन्हें मैं रोक नहीं सकती हूँ, अगर इन्हें रोक दें मेरा लाइसेंस कैंसिल। आपके सामने अभी गाड़ी आएगी, सब हॉस्पिटल जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के शेखर रेफ्रिजरेटर में 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठी महिला ने बताया ये अस्पताल में सप्लाई के लिए भेजे जाने हैं। शुरुआत में महिला ने इस बात का डर जाहिर किया कि अगर सिलेंडर किसी और को दिए तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। बातचीत में महिला ने बताया कि उसके पास ऑक्सीजन रिफिल करवाने का लाइसेंस है। हालांकि अगले ही पल महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का इशारा दिया। करीब 800 रुपए के छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर का जो दाम महिला ने बताया, वो किसी के भी होश उड़ा देगा। जिसकी मैं कैपेबल हूँ उतनी मदद में करूँगा, जिसकी मैं कैपेबल नहीं हूँ वो मदद में नहीं। 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ, राइट। मतलब हमें एमटी देना पड़ेगा या सर कुछ नहीं, ये विद सिलेंडर, अगर सिलेंडर हम ले आए तो सर मैं रिफिल कर दूंगी लेकिन छोटा, उससे ऊपर का साइज रिफिल नहीं करूंगी। कितना पड़ेगा सर रिफिल कॉस्ट? 15। सुना आपने, चंद घंटे के लिए सांसों को सहारा देने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 8500 रुपए। यकीन नहीं होता कि जो लोग अपनों को बचाने के लिए शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से बेहाल हो चुके हैं, उन्हें 10 गुना कीमत पर कुछ देर चलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए ग्रेटर नोएडा में शेखर रेफ्रिजरेटर पर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है।
सर 8500 का है, किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है, जैसे इनकी मौसी है लास्ट बेथ पे, अपनी लखनऊ जाना चाहती हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ उसे, जिसकी मैं कैपेबल हूँ उतनी मदद मैं करूँगा, जिसकी मैं कैपेबल नहीं हूँ वो मदद मैं नहीं। 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ। देश को ये जानने का हक है कि आखिर उन्हें जो ऑक्सीजन सिलेंडर 10 गुना महंगी कीमत पर बेचे जा रहे हैं, उनकी असल कीमत क्या है। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम करीब 800 रुपए है। काला बाजार में 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम 8500 रुपए है। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर में 200 रुपए की गैस भरी जाती है। काला बाजारी करने वाले 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर को 1500 रुपए में भर रहे हैं। कोरोना की वजह से मौत की जो लहर चल रही है, उसमें मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन के सौदागरों ने सांसों की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि जिंदगी ऑक्सीजन सिलेंडर से भी सस्ती लगने लगी है। ये सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक एक सांस के लिए तड़पते लोगों की जिंदगी का सौदा है। शर्मनाक बात तो ये है कि जो लोग जरूरतमंदों को 10 गुने दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, वो ऊंची कीमतों के लिए ऑक्सीजन प्लांट वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने न्यूज 18 की खुफिया टीम से कहा कि महंगे सिलेंडर बेचना उसकी मजबूरी है। जरा काला बाजारी करने वाली इस महिला की मजबूरी पर भी गौर कीजिए। सर मेरी बात सुनिए, सर मैं इन सबको बहुत महंगा खरीदूंगी, प्लांट वालों को भी ना बहुत अच्छा खासा मुझे पैसा देना पड़ता है कि मुझे ऑक्सीजन रिलीज जल्दी कर दे। ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर सिलेंडरों की काला बाजारी करने वाली महिला ने लाख दलीलें दी कि वो मरीजों के लिए ही सिलेंडर बेचती है, अस्पतालों में भेजने के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं। लेकिन ये सारा झूठ उस वक्त बेनकाब हो गया जब न्यूज 18 की खुफिया टीम को महिला ने फौरन मनमाने दाम पर सिलेंडर ऑफर कर दिया। देखिए कैसे 800 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर को 8500 रुपए में बेचने के लिए महिला तैयार हो गई। ये 22 सिलेंडर है, 2 पैरालिसिस पेशेंट को जाना है, डेथ बेड पे है, सर किसे मना करूं, मेरी स्थिति समझे सर। शाम तक 2 बजे के बाद सर मैं ज्यादा देर नहीं, 2 बजे के बाद आ जाना सर, यहाँ लाइन देखना उसके बाद, अभी तो मैंने 2 बजे के बाद अभी भगा दिया सबको आकर पहले, सर लाइन लगाने से कुछ नहीं मिलना, आपको मैंने देख लिया है, आप 2 बजे आएंगे मैं दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यस एक दे पाऊंगी सर, वन पर्पज एक ही दे पाऊंगी, अंदर कोई सिलेंडर पड़ा है क्या, इसके अलावा अंदर कुछ है, अभी रुको सर लेके दो। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने खुफिया कैमरे में जो सच कैद किया वो आपके सामने है। पहले तो ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से साफ इनकार किया, फिर दोपहर 2 बजे के बाद आने को कहा, और थोड़ी ही देर में जब हमारी खुफिया टीम वहां से जाने लगी तो महिला अपनी दुकान में रखे दर्जनों सिलेंडरों में से 800 रुपए का एक सिलेंडर 8500 रुपए में देने को राजी हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी करने वाली महिला ने खुफिया कैमरे पर अपनी काला बाजारी का सारा सच खुद बताया है। पहले जरूरतमंदों को मना किया जाता है, जब वो बार बार मिन्नतें करते हैं तो उनसे
मरीज के कागजात मांगे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद न जरूरत न मरीज, सिर्फ पैसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, वो भी सरेआम। न कानून का खौफ, न पुलिस का डर और न जरूरतमंदों से 10 गुना कीमत वसूलने का अफसोस। और हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई तय कीमत नहीं है, लेकिन आम तौर पर ऐसे सिलेंडर इंडस्ट्रीज और वेल्डर्स के काम आते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी निरंतर सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर और उसमें भरने वाली गैस को लेकर कभी कालाबाजारी का दौर नहीं देखा गया। दरअसल कालाबाजारी करने वालों ने मनमाने दाम पर बेचने के लिए अपने पास सिलेंडर जमा कर लिए। इससे हॉस्पिटल और गंभीर मरीजों के लिए बनाई गई ऑक्सीजन सप्लाई चेन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं और इस किल्लत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले काफी हद तक जिम्मेदार हैं। कोरोना मरीजों की जिंदगी की कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का काला खेल दिल्ली से सटे नोएडा में भी सरेआम चल रहा है। यहाँ दुकानदार 10 लीटर के सिलेंडर के लिए 8,000 रुपए मांग रहे हैं। इसके अलावा हमारी खुफिया टीम दिल्ली के एक मेडिकल स्टोर पर भी पहुंची, जहां एक सिलेंडर 7,000 से 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। नोएडा और दिल्ली में ऑक्सीजन के सौदागरों को देखिए हमारे सहयोगी हरीश वर्मा और अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। संकट काल में कोई सांसों की सौदेबाजी कैसे कर सकता है? देश के सामने आई इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम शहर शहर घूमती रही और यकीन जानिए हर जगह बस एक ही जवाब मिला, सांसें चाहिए तो पैसे लाओ। ये नोएडा सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं। हमें पता चला कि यहाँ भी एक दुकान में खुलेआम सांसों का सौदा हो रहा है, लिहाजा हमने खुफिया कैमरे पर उस दुकानदार से बात की। एक सिलेंडर करवा दे। अब तो नाम दो चैनल सभी परेशान है, पर आज सुबह ही गाड़ी गई है। चार बजे कल सुबह निकली, बनने में टाइम तो लगता है, वहाँ लाइन लगी पड़ी है गाड़ी। इसमें कंप्लीट ऊपर का जो मीटर वीटर आता है वो आ ही नहीं रहे, जो बना था उसको भी कोरोना हो गया। ओहो, उस चक्कर में वो मिल ही नहीं रहा। तो इसका तो फिर क्या इस्तेमाल होगा जिसके बिना? यही वजह बस हम मना कर रहे हैं, 8,000 का यही है फंड गैस के साथ। दुकानदार से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ 8 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। वही ऑक्सीजन जो फिलहाल कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने का अहम हथियार, इसका सौदा खुलेआम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये कि सांसों का सौदा करने वाले इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है, न सरकारों का, न प्रशासन का और न ही शायद कानून का। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लिहाजा हमने नोएडा सेक्टर 5 की दुकान पर मौजूद एक शख्स से बात की, जिसने हमें बताया कि तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा नोएडा के सेक्टर 9 तक। हमारी अंडरकवर टीम नोएडा सेक्टर 9 स्थित उस दुकान पर पहुंची, पूछताछ की तो हमें बताया गया कि यहां पर ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगी लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा।
ऑक्सीजन वाला बड़ा जरूर नहीं मिलते। कौन सा है? कोई भी नहीं मिलता। कितने का? सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं है। क्या भरेगा आप? सिलेंडर लेना है बड़ा सिलेंडर आपका 1150। जाहिर है सेक्टर 9 स्थित इस दुकान में भी सांसों का सौदा किया जा रहा है। छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस की कीमत 200 रुपए तक होती है, जिसे 500 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर तो 300 से 400 रुपए तक रिफिल होता है। उसके लिए 1150 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मतलब ये कि 2 गुने 3 गुने और 4 गुने दामों में सांसों की बोली लगाई जा रही है। काला बाजारी करने वालों ने हमें ये भी बताया कि नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर मोटी कीमत चुकाने के बाद आखिर कहां मिल रहे हैं। सिलेंडर किधर से मिलेगा? बाजार में 8 लीटर का सिलेंडर 1000 रुपए से भी कम में आता है, लेकिन यहाँ जरूरतमंदों से 4000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आपदा में मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान गिरवी रख चुके लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इनकी बेईमानी से किसी की जान भी जा सकती है। नोएडा से निकलकर हमारी अंडरकवर टीम दिल्ली के नजफगढ़ पहुंची, जहां एक दवा की दुकान पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा था। हालांकि जब तक हम वहां पहुंचते सिलेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने की जो कीमत दुकानदार ने हमें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, रिफिलिंग 7000 रुपए में दे रहे हैं। रिफिलिंग कौन आ रहे हैं? आगे 7000 रुपए में क्या करूँगा मैं? मिल ही नहीं रहे, बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ के। सिलेंडर रिफिल कुछ नहीं आ रहा, मशीन आ रही है, कोई कस्टमर भी माल चला गया हमारा, वो मशीन आ जाएंगे, वो मशीन मिल जाएगी, सबसे बेस्ट चीज है वो। सुना आपने, दुकानदार के पास भले ही ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, लेकिन जब भी उसका इंतजाम हो जाएगा तो सिलेंडर जरूर रिफिल करवा देगा। हाँ, इसकी कीमत होगी 7000 रुपए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारे आपके आसपास किस तरह साफत काल में मुनाफा खोरों की बड़ी जमात सांसों का सौदा कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर महामारी में काला बाजारी करने वालों और नकली दवाइयां बनाने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुनाफा कमाने में अंधे हो चुके कुछ लोग अब भी इस संकट काल में सांसों का सौदा कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश किया जाना और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के गुनहगार हैं।